दोस्तों, अगर आपने बिग बॉस का ये जो पूरा सीजन है, सीजन 17 देखा होगा, तो उसमें एक बात जो है हम सबको सुनने को मिली थी कि बाहर जाकर ये तुझे पूछेगा भी नहीं। ये बात मनारा ने अभिषेक को कही थी मुनव्वर के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन बाहर आने के बाद अब किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, आप लोग खुद देख रहे हो। लेकिन क्या अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती कोई तोड़ पाएगा या नहीं टूटेगी, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मनारा ने एक और चीज़ कही थी, जो कि अब उस चीज़ पर भी मुनव्वर और अभिषेक ने उस बात को भी खारिज कर दिया है, झूठ साबित कर दिया है मनारा को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जब से मुनव्वर बिग बॉस से घर के बाहर आए हैं, और उसके बाद अभिषेक भी जब से घर के बाहर आए हैं, दोनों एक दूसरे का जिक्र ज़रूर करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी में या क्लब में है तो दोनों एक दूसरे के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्पेशल हो जाता है मोमेंट पर्टिकुलरली। लेकिन इस चीज़ को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सीज़न 17 इनकी दोस्ती के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, हो ना हो, मनारा ने ये बात कही थी कि बाहर जाकर तुझे पूछने वाला भी नहीं है, ये वीडियो कॉल तक नहीं करेगा तेरे को। बट हाल फिलहाल कुछ अपडेट्स ऐसी आ रही है, कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि अभिषेक और मुनव्वर एक दूसरे से आजकल वीडियो कॉल पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग ट्विटर पर ये चीज़ लिख रहे हैं कि भाई मनारा चोपड़ा कहती थी कि मुनव्वर बात भी नहीं करेगा, सुनने में तो ये आ रहा है कि अभिषेक और मुनव्वर आजकल वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मनारा चोपड़ा का मोए मोए हो गया है। दोस्तों, ये बात तो है कि इन दोनों की दोस्ती टूटना बहुत ज़्यादा बोलते ना मुश्किल है, बिकॉज दोनों का जो बॉन्डिंग था बिग बॉस के घर में, दोनों की जो दोस्ती थी वो टॉप नॉच थी, और सीजन 17 उसी वजह से याद भी रखा जाएगा। इस पर फिलहाल आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।